Hello friends, how are you all? In this video we are going to discuss what type of questions will be asked based on practical problems. Here you can have two types of questions. One will be of single drawer and single drawee, and the second type will be single drawer multiple drawees. In this video I am going to teach you first type, that is single drawer and single drawee. In our next video we will be learning single drawer and multiple drawees case. So let's start with this one. Here you can see we have the first question. In exam you will be given a paragraph, okay, and in paragraph there will be a story, and based on that story you will have to solve it. Yahan pe aap dekhiye एक स्टोरी जैसा कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं, इस स्टोरी को समझते हैं. जो स्टोरी मैंने आपको समझा के दिया था सेम स्टोरी आपको एग्जाम में लिखी होगी, उसको पढ़ना है, समझना है और उसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर देना है. इट्स वेरी सिंपल. बोलता क्या है, इन्होंने कहा है क्या है, ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत. प्रताप कौन हो गया यहाँ पे, इसने बेचा है, तो भाई ये तो बन गया ड्रॉवर. प्रताप सेलर है ना, तो वी कैन कॉल हिम एज ड्रॉवर. एंड सोल्ड गुड्स टू सुजीत, सुजीत इस बंदे को बेचा गया है, तो ये हमारा हो गया ड्रॉई, क्योंकि इसे बेच दिया हमने. तो यहां पे देखिए मैंने, ये हमारा ड्रॉवर है, ठीक है, ये मिस्टर प्रताप हो गए. स्टोरी की शुरुआत करते हैं, समझते हैं एक एक करके. और ये जो बंदा है ये है हमारा ड्रॉई, तो ये हो गए सुजीत. जैसा कि मैंने बताया ये वाला कैसा केस है, सिंगल ड्रॉवर एंड सिंगल ड्रॉई. सेकेंड वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंगल ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉईज, उसमें बहुत सारे ड्रॉई होंगे, क्योंकि अलग अलग केसेस के छोटे 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 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर. तो ये बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि ये सारे एंट्रीज इसमें लाइन वाइज जाएगा और उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है. यहां पे तो भाई पूरे लाइन टू लाइन पूछने वाले हैं. आपने एक बार जनरल एंट्री सीख ली है तो समझ लीजिए सारे क्वेश्चन आपको आ गए. यहां प्रताप और सुजीत ये दो बंदे हैं. बोलता क्या है कि भाई ये बंदे ने सेल किया, सोल्ड गुड्स टू सुजीत, ठीक है. यहां से इसके पास क्या जाने वाला है, गुड्स जाने वाला है, गुड्स जा रहा है. बदले में इन्होंने कैश दिया नहीं दिया, ये देखिए लिखा ही नहीं कि कैश क्या दिया. अब क्या करना है, ये फर्स्ट केस है. आपने सीखा है कि भाई इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है. मैंने आपको सिखाया था गुड्स जा रहा है तो टू सेल्स लिखेंगे आप. जर्नल एंट्री सीखते हैं, टू सेल्स क्या लिखेंगे, टू सेल्स लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट. तो डेबिट में क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम. यहां पर पार्टी कौन है, सामने वाला, अपना नहीं, ठीक है. क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं किसके बुक में पूछा है. इन्होंने बोला है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत, तो यहां पे आपको लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, पहले तो प्रताप की बुक में कर रहे हैं आप. यहां पे ब्रैकेट में ड्रॉवर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये ड्रॉवर है, ठीक है. इन द बुक्स ऑफ प्रताप लिखेंगे यहां जर्नल एंट्रीज, प्रताप का तो हो गया. तो जो सेकंड वाला होगा वहां लिखेंगे आप इन द बुक्स ऑफ सुजीत, इन द बुक्स ऑफ सुजीत और जर्नल एंट्रीज. और इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे. फॉर्मेट तो आपको जर्नल एंट्री का याद होगा, आपने 11th में सीखा है, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट रुपीज रुपीज, ये पूरा आपने 11th में सीखा है, ठीक है. फॉर्मेट बनाना सीख गए हैं, बस सम सॉल्व करना बाकी है. स्टार्ट करते हैं. तो आपने देखा कि हमारी स्टोरी चल रही है कहां पे, सेल एंड परचेज पे चल रही है. ये बंदा सेल कर रहा है, गुड्स जा रहा है, तो हम क्या लिखने वाले, टू सेल्स, और सामने वाले पार्टी का नाम, तो सुजीत अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, सुजीत, सुजीत अकाउंट, केवल सुजीत नहीं लिख सकते आप, सुजीत लिखना पड़ेगा, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. डेट आपको यहां पे दे रखा है इन्होंने 1 जून 2019, तो आप 1/6/2019 इस तरीके से डेट लिख सकते हैं.
ये डेबिट और क्रेडिट में आपको अमाउंट लिखना है। 82,000 यहां पे लिख दीजिए, 82,000 क्रेडिट में लिख दीजिए, डेबिट क्रेडिट। क्लियर है? इट्स वेरी सिंपल। आपने देखा कि भाई इन्होंने सेल किया है, तो जरा सोचिए जब आप सेल करते हैं तो मैंने आपको नरेशन सिखाया है, क्या सिखाया? बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसको कर देते हैं गायब। ये हमारा नरेशन हो गया, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल हो गया, जनरल एंट्री भी आपने सीख लिया। अब जानते हैं भाई इस बंदे ने क्या एंट्री पास की, वो आपको पता चल गया। अब ये सुजीत क्या पास करने वाला है? सुजीत के पास गुड्स आ रहा है यानी परचेज हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, बदले में कुछ नहीं दिया तो पार्टी का नाम लिख देगा प्रताप। तो यहां पे आप लिखेंगे इसके बुक में डेट तो वही देने वाले हैं आप जो यहां पे आपने लिखा था, 1st 6th 2019, परचेज डेबिट लिखना था आपको, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या सीखा था? गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, बदले में कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है तो पार्टी का नाम, सामने वाली पार्टी कौन है? प्रताप। क्लियर? प्रताप्स अकाउंट, और 82,000 की आपने ट्रांजेक्शन की है, सो 82,000। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आपको लिखना है बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। यहां के आगे की स्टोरी कहती है सुजीत एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months, ठीक है, उन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया। अब क्या करेगा, पैसे तो नहीं मिले तो ये बंदा देगा इसको बिल साइन करने के लिए, और साइन करके ये बिल कर देगा रिटर्न। देने की एंट्री नहीं होती है, बिल जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो इनवैलिड होता है, ठीक है। जब साइन हो गया तब भाई ये तो वैलिड हो गया, अब जाके आप देख रहे क्या हो रहा है, बिल आ रहा है, बिल क्या हो रहा है, आ रहा है ना। तो बिल आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, जब बिल आएगा तो आप तो लिखने वाले बी आर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जा कुछ नहीं रहा है बदले में तो पार्टी का नाम आएगा, क्या आएगा? सुजीत। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सुजीत अकाउंट, और अमाउंट तो वही लिखना आपको 82,000। ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है, ठीक है। और आप डेट लिखेंगे वहां पे, देखेंगे डेट कुछ नहीं दिया, मतलब सेम डेट को ये स्टोरी हुई है आगे की कहानी, 1/6/2019 स्टोरी सेम डेट को हो रही है। अरे हर एक चीज सेम डेट पे ही होता है, आप परचेज करेंगे फिर क्या किसी और दिन बिल पे साइन करने के लिए आएंगे? नहीं, सेम डेट पे सेम टाइम पे सब कुछ हो जाता है। तो नरेशन में आपको यहां पे क्या लिखना है, जरा सोचिए आप क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग बिल ड्रॉन, बिल आपने ड्रॉ किया एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और एक्सेप्टेंस भी सामने वाले से मिल गया। चलिए सेम केस यहां पे देख लेते हैं, अब इसके पास से बिल तो जा रहा है तो टू बिल्स पेबल, ये इसको बिल्स पेबल बुलाता है, जो जाता है टू में लिखते हैं, आएगा तो डेबिट में लिखते हैं, तो टू बिल्स पेबल, और बदले में कुछ आया तो नहीं ना, तो पार्टी का नाम लिख लेंगे प्रताप से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। तो प्रताप्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 82,000 ही होने वाला है। क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होता है, डेट भी सेम होने वाली है, एग्जाम में बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप, बिकॉज स्टोरी लिखी होती है, उस स्टोरी को समझ जाना है, एक बार आप स्टोरी समझ जाते हैं तो सम कर लेंगे। यहां से आपने देखा कि बिल जा रहा है, बिल्स पेबल, इसलिए टू में लिख दिया हमने, और किसको दिया है? प्रताप को दिया है, तो प्रताप टू बिल्स पेबल। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, हमने एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है। चलिए ये भी कहानी हो गई पूरी आपकी, अब आगे की कहानी, आगे इन्होंने किया क्या है, बिल तक तो कहानी खत्म, अब बोलता है जरा सोचिए यहां क्या हुआ रहेगा। यहां की बात करूं मैं, जब जो भी परचेज सेल का काम होने वाला था वो सब हो गया,
इन्होंने सामान बेच दिया, इन्होंने सामान खरीद लिया, बिल के ऊपर साइन कर दिए, वादा कर दिया कि भाई 2 मंथ के बाद मैं पेमेंट करूंगा, ये अपने घर ये अपने घर, है ना। अब 2 मंथ बीतने के बाद ही जो भी होगा सो होगा, क्लियर। हुआ क्या इसके बाद, बिल इन्होंने अपने पास रखा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब बिल अपने पास रखने के बाद ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, अब लास्ट डेट की यानी मैच्योरिटी डेट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बिल को ऑनर कर दिया। तो बिल आप ऑनर कैसे करेंगे, क्या होगा, आप जाएंगे इसके पास, ठीक है, जाएंगे यहां पे जाके इसको बिल देंगे, क्या देंगे, बिल देंगे, है ना। और बदले में ये आपको क्या देगा, बदले में आपको पैसे देगा, ठीक है, कैश बैंक, कैश भी दे सकता है, चेक भी दे सकता है, इसलिए हम कैश बैंक लिखेंगे, वेरी सिंपल। तो लिख देते हैं, बड़ी बात यह है कि अब आपको यहां पे डेट लिखना है। तो मैंने आपको सिखाया था 1/6/2019, इसमें आपको 2 मंथ प्लस करना है, सिखाया है कि नहीं, याद है। तो हो गया 1/6 के बाद 7/8/8 हो गया 2019, है ना। उसमें 3 डेज और भी प्लस करने के लिए कहा था मैंने 3 डेज, तो यहां पे 4/8/2019, तो आप डेट जो लिखने वाले हैं अब लिखने वाले हैं 4/8/2019। आपने देखा कि जो आपने सीखा है वो काम आ रहा है यहां पे। तो अब क्या करने वाले हैं आप, ये तो कैलकुलेट कर लिया, डेट हो गई आपकी, बिल ऑनर करना है आपको। पहला केस देख रहे हैं आप, बिल इज ऑनर ऑन ड्यू डेट, ऑनर होगा तो होगा क्या, जाएंगे पैसे लेके चले आएंगे, आप आएंगे तो क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, बिल जा रहा है, तो क्या लिखेंगे आप, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं भाई, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, बिल जा रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट सेम अमाउंट, अमाउंट का कोई झोल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, 82,000 आपने लिख दिया, पूरा इंफॉर्मेशन हो गया यहां पे। तो हमने लिख दिया, नरेशन क्या होगा, तो लिखा बीइंग रिटेन बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, ये भी बताना होता ना, बिल कैसा है, अपने पास रखा हुआ बिल है, ये तो ऐसा लिखता है, लेकिन ये बंदा तो कुछ भी नहीं लिखेगा, ये ऐसे ही लिख देगा डायरेक्ट। तो पहले इसकी जर्न एंट्री तो देख लेते हैं, आपने कैलकुलेट किया था डेट क्या आया था, 4/8/2019, तो आप लिखेंगे 4/8/2019, ठीक है, 4/8/2019। और हुआ क्या था, इनके पास से पैसे गए थे और बिल आया था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, पैसे चले गए बेचारे के पास से कैश बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट इज 82,000, कितना है भाई, 82,000। चलो ये था, आपने सीख लिया, इन्होंने कहा बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो नरेशन क्या लिखने वाले हैं आप, बीइंग बिल ऑनर्ड, है ना। तो भाई बिल तो ऑनर हो गया आपका, बोलता है बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो बिल जब डिसऑनर होगा ड्यू डेट के दिन तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जरा आप सोचिए। बिल डिसऑनर होता है तो ये जो केसेस है थोड़े से बदल जाते हैं, क्या बदल जाता है मैं वो समझाता हूं। यहां जो बदले में हमको कैश बैंक मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, हम बिल देंगे बस, यही होने वाला है। तो जरा आप सोचिए कि इसकी एंट्री क्या बनने वाली है, वेरी सिंपल, क्या होगा, बिल जा रहा है तो आप लिखने वाले हैं टू डी आर अकाउंट, बिल चला गया बदले में कुछ नहीं मिला तो फिर से पार्टी का नाम लिखेंगे, पार्टी कौन है, बाज सुजीत, सुजीत अकाउंट डेबिट, पार्टी का नाम लिख के और टू बी आर लिख देंगे। एक बात आप नोटिस कर सकते हैं, सेकेंड एंट्री ही पलटी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे बी आर टू सुजीत था और सुजीत टू बी आर हो गया, क्लियर। और डेट तो भाई आपको लास्ट वाली यही वाली डेट लिखनी है, 4/8/2019, उन्होंने पेमेंट नहीं की, कितने की पेमेंट थी, 82,000 की। चलिए वी हैव सीन दिस वन,
तो यहां पे डिसऑनर किया आपने, तो डिसऑनर के लिए क्या लिखेंगे, बीन रिटेंड बिल, जो बिल हमने अपने पास रखा था वो डिसऑनर हो गया, तो बीइंग रिटेंड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये नरेशन हो गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये क्या एंट्री पास करेगा वो देख लेते हैं। डेट पहले वही लिख देता हूं मैं, 4/8/2019, डेट आपने देख लिया। पेमेंट यहां पे क्या किया होगा, बिल दे दिया होगा कि ले लिया होगा, इसके पास बिल आ रहा है, आप देख सकते हैं डायग्राम देख के भी एंट्री बना सकते हैं, बिल आ रही है, ऊपर किया ना मैंने एरो, आ रहा है बिल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बदले में कुछ भी नहीं गया तो पार्टी का नाम टू प्रताप, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, तो आप लिखेंगे यहां पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट एंड अमाउंट विल बी सेम 82,000, क्लियर है। और यहां आप नरेशन लिखने वाले हैं, नरेशन में आप लिखने वाले हैं कि बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब आगे वाला देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है हमने सीखा है कि यहां पे क्या करना है आपको। इन्होंने एक और केस पूछा है कि मान लीजिए बिल डिसऑनर होता और हम नोटरी पब्लिक के पास चले गए होते, याद है ना आपको कैसे सिखाया था मैंने, जब हम इसके पास बिल लेके जाएंगे वो पैसे हमें नहीं देगा है ना, तो इस बिल को हम वापस लेकर आएंगे और कहां चले जाएंगे, नोटरी पब्लिक के पास चले जाएंगे, नोटरी पब्लिक कुछ ना कुछ नोटिंग चार्जेस लेगा, यहां लिखा है कि 250 रुपीज नोटिंग चार्जेस ले रहा है, वो 250 रुपीज ले लेगा ये और इसकी नोटरी कर देगा, नोटरी करने के बाद ये बिल हम वापस ले जाके सुजीत को दे देंगे है ना, तो बिल में 250 रुपीज और भी प्लस हो जाएंगे, बिल के अंदर 250 और प्लस हो जाएगा क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी वसूलना है। तो स्टार्ट करते हैं एंट्री, जरा आप सोचिए क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे पास से बिल भी चले गए और पैसे भी चले गए, उसके हिसाब से सोचिए जा क्या रहा है वो देखिए। पहले मेरे पास से बिल जा रहा है तो मैं लिखूंगा टू बी आर, बिल चला गया ना इसलिए, और मेरे पास से पैसे चले गए तो कैश अकाउंट, सर यहां कैश बैंक क्यों नहीं लिखते भाई, इतनी छोटी अमाउंट दे रहे हो आप उसको चेक दोगे तो थोड़ी लेने वाला है वो आपसे, ठीक है। बी आर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये दो चीजें, मेरे पास से कैश भी चला गया और मेरे पास से बिल भी चला गया है ना, और भाई बदले में क्या मिला, कुछ नहीं मिला, जब कुछ नहीं मिलता तो सामने वाले पार्टी का नाम लिखते हैं, सामने वाली पार्टी कौन है, सुजीत, तो आप लिखेंगे सुजीत अकाउंट डेबिट, इजंट दिस वेरी सिंपल, डेट तो भाई सेम होने वाला है 4/8/2019 और अमाउंट भी सेम होने वाला है, यहां बी आर में 82,000 लिखने वाले हैं आप, बिल का अमाउंट सेम होगा पर यहां पे आपको 250 रुपीज बढ़ाने बोला है तो 250 रुपीज और भी ऐड हो जाएगा, तो यू विल बी राइटिंग 82,250। नरेशन में आप क्या लिखने वाले हैं, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग बिल डिसऑनर, लेकिन कौन सा बिल है, रिटेन, बीइंग रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड, यहां पे नोटिंग चार्जेस हम पे करके आ रहे हैं तो नोटिंग चार्जेस पेड, ये तो हमारी तरफ से केस है। सुजीत की तरफ देखिए क्या हो रहा है, इसके पास जो है बिल आ रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बाद में इससे वसूला जाने वाला है नोटिंग चार्जेस, तो वो भी उसको लिखना पड़ेगा, तो आई विल बी राइटिंग तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट क्योंकि बिल आ रहा है और क्या हो रहा है, नोटिंग चार्जेस भी लगाई जा रही है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और आपने देखा कि बदले में कुछ जा नहीं रहा इसलिए पार्टी का नाम प्रताप आएगा, प्रताप अकाउंट है ना, और डेट आने वाली है सेम 4/8/2019, अमाउंट आने वाला है 82,000 और बिल का 250 है तो 250 आ जाएगा, मिला देंगे आप तो 82,250 ये मिला के प्रताप को देना है, ये दोनों अमाउंट है कि नहीं, हो गया ये। बस अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नरेशन लिख देना है, तो नरेशन में लिख देंगे आप बीइंग बिल
डिसऑनर, आपका बिल डिसऑनर हो गया, अनड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। यहां पे नोटिंग चार्जेस इनकर्ड लिखना होता है क्योंकि ये बंदे पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है ना, इसको वो पे करना होगा एज अ पनिशमेंट और क्या। तो ये क्वेश्चन तो आपने सीख लिया कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है और डेट की कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, और एक छोटी से बड़ी बातें आपने यहां सीखा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, हाँ तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। अजिंक्य ओव्स रुपीज 45,000 टू अश्विन। अजिंक्य देनदार है 45,000 का, किसे देगा वो, अश्विन को देगा। तो भाई ये लाइन तो पढ़ते ही आपको पता चल गया डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है, पैसे देने वाला कौन है और पैसे लेने वाला कौन है। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग अजिंक्य जो है ये पैसा देने वाला यानी कस्टमर है, ठीक है। तो इसे कस्टमर के पास लिख देते हैं, क्या लिखेंगे आप, अजिंक्य, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, और ये हमारा अश्विन है। अब केसेस देखते हो क्या रहा है, पैसे बाकी हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं होने वाली है, बाकी है उसके आगे की कहानी देखिए, ट्रांजैक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है। वो कहता है ये ऑन 12 जुलाई 2019 अश्विन रिसीव द क्रॉस चेक। इस बंदे को अश्विन को मिलता है एक क्रॉस चेक, ओके, और क्या मिला, एंड बैलेंस 30,000 अजिंक एक्सेप्टेड बिल फॉर 3 मंथ्स, और साथ में बिल मिल गया। आपने देखा एक चेक मिल रहा है और एक बिल मिल रहा है, चेक के लिए तो आप बैंक लिखते हैं और बिल के लिए बीआर लिखते हैं, ठीक है। और ये कहानी हम लोग लिखने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अश्विन एंड अजिंक्य। तो भाई पहले तो लिखता हूं मैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ अश्विन। यहां पे आपको लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ अश्विन जर्नल एंट्रीज। अब सेकेंड कौन है, अजिंक्य, तो उसके बुक में चलते हैं और लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य। तो आपने देखा हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं, पहला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है हमारे पास, क्या क्या आ रहा है जरा सोचिए आप। एक तो चेक आ रहा है और दूसरा बिल आ रहा है, तो लिखेंगे क्या आप, चेक के लिए बैंक लिखने वाले हैं, ओके, और दूसरा जो बिल है उसके लिए बीआर। बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, सामने वाली पार्टी कौन सी है, अजिंक्य। अजिंक्य अकाउंट, इस तरीके से आपने जर्नल एंट्री पास कर लिया है। अब हमें लिखना है कि भाई क्या क्या हुआ, और अमाउंट लिख लेना है, डेट लिख लेना। ट्वेल्थ जुलाई 2019 एंड अमाउंट इज 15,000 का चेक है और 30,000 का कैश। 15,000 का चेक है और 30,000 के लिए बिल बनाया गया है, कुल मिला के 45,000। जो भी पैसे बाकी थे सबका ट्रांजैक्शन हो गया। अब यहां पे आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपने देखा कि 15,000 रुपीज के चेक मिला हुआ है और 30,000 का बिल मिला है, तो आप नरेशन कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं, लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड एंड फॉर द बैलेंस, जो पैसे बाकी है आपके उसके लिए आपने बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और एक्सेप्टेंस मिल गया। भैया ये कहानी तो हो गई किसके पास, अश्विन के पास, कि भाई क्या क्या हुआ। अब देखते हैं अजिंक्य के पास क्या क्या हुआ, इनके पास से दोनों भी चीजें जा रही हैं, तो आप टू में लिखने वाले हैं। यहां पे चेक जा रहा है और बीआर बिल्स, बिल जा रहा है, ये बिल को बिल्स पेबल बुलाता है। तो टू बैंक अकाउंट,
टू बिल्स पेबल अकाउंट, और डेबिट में आप क्या लिखने वाले, पार्टी का नाम। पार्टी यहां पे कौन होगी, अजिंक्य तो नहीं होगा, अजिंक्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग अजिंक्य के बुक में ही लिख रहे हैं। तो सेकेंड पार्टी कौन है, अश्विन। अब डेट लिख लेते हैं और अमाउंट लिख लेते हैं। आपने देखा 15,000 का जो है वो चेक मिला हुआ है और 30,000 के लिए आपको क्या करना है, बिल बना देना है। टोटल 45,000 अश्विन के अकाउंट क्लियर हो जाएगा अश्विन का एक तरीके से। तो एक लाइन आपने पढ़ा और उसकी एंट्री पास कर दी। अब चलते हैं सेकंड लाइन, देखते हैं क्या दिया हुआ है और इस स्टोरी में क्या होने वाला है। सेकंड लाइन, अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 15% पर एनम ऑन द सेम डे। ये बैंक से डिस्काउंट करा लिया उन्होंने बिल, यानी क्या हुआ होगा, इन्होंने बिल बैंक को दे दिया, बदले में कुछ मिला, यस इनको मिल जाएंगे पैसे, जानते हैं फुल अमाउंट नहीं मिलेगा, कुछ पैसे कट जाएंगे तो डिस्काउंट भी आएगा साथ में। तो लिखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या हो गया, कुछ पैसे कट गए, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया ना। जब पैसे कुछ आपको पैसे नहीं मिले तो वो पैसे तो लॉस में चले गए, लॉस डेबिट होता है। तो आप लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या गया, बिल चला गया। अब लिख लेते हैं अमाउंट यहां पे और डेट। आपने देखा यहां पे लिखा हुआ है सेम डेट, सेम डेट लिखना है। बिल कितने का है, 30,000। आपको डिस्काउंट कितना निकालना है, 15%। तो डिस्काउंट निकालना आपको सिखाया गया है, कैसे करना है आपको। 30,000 लिखेंगे आप मल्टीप्लाई बाय 15% मीन 15/100, और पीरियड लेना है यहां पे, देखिए कितने मंथ के लिए बिल है आपका, 3 मंथ। अब चलिए फटाफट कैंसिल कर दीजिए इसको, इसके टेबल में आ रहा है देखिए 00 गॉट कैंसल्ड, 3 4 12, 4 से 300 को डिवाइड कर दीजिए आप, मिल गया 75 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का, 1125, तो डिस्काउंट विल बी 1125। तो आपका कैश कितना होने वाला है, माइनस कर लीजिए, आपको कैश मालूम पड़ जाएगा कितना होगा। तो आपने सीखा किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए अजिंक का यहां पे कोई भी रोल नहीं आया, ये आया है बैंक और अश्विन, तो इसकी एंट्री अश्विन पास करने वाला है और बैंक पास करने वाले है। अजित को इस बात का तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, क्लियर। तो अभी आपने क्या किया, डिस्काउंट कराया, तो नरेशन क्या करेंगे आप, नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये रहा नरेशन। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यहां पे, ह्यूज अन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन एंड अजिंक इन फॉलोइंग केसेस। यहां पे केसेस दिए हुए कि बिल जब आपने दे दिया, लास्ट डेट ड्यू डेट जब बिल की आएगी तो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि ड्यू डेट क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं 12 जुलाई, मैंने इसे कैलकुलेट करने सिखाया आपको क्या करना होता है, यहां पे पीरियड प्लस करना है 3 मंथ, 7 and 3 10 19, 3 days और प्लस कर दीजिए, 15 कोई पब्लिक हॉलीडे का डे नहीं है तो हम 15 10 19 लेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी ऑन 15 10 19। इन्होंने बोला है 3 केसेस में एंट्री आपको बतानी है, एक ऑनर, दूसरा डिसऑनर एंड थर्ड वन इज डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस। तो तीनों केसेस की एंट्री मैंने आपको सिखाया है, क्या होगा, ऑनर करेगा तो फर्स्ट, ये वाले केस में क्या होने वाला, ऑनर होगा तो जरा सोचिए क्या होगा,
कौन जाएगा पैसे लेने के लिए? बैंक जाएगा। किसके पास? अजिंक्य के पास। पैसे लेगा और अपने पास ले लेगा वो पैसे। तो क्या हम एंट्री पास करेंगे? नहीं, हमें तो पता भी नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले ऑर्डर का एंट्री देख लीजिए। यहां पे डेट आपको लिखना है 15/10/19। अमाउंट क्या आने वाला है और एंट्री क्या होगी जरा सोचिए। यहां पे नो एंट्री। व्हाई? बिकॉज ये दोनों ट्रांजैक्शन किन के बीच में हो रहा है? अजिंक्य और बैंक के। तो यहां पे आप लिखेंगे नो एंट्री। पर अजिंक्य के बुक में एंट्री होगा। उसके पास क्या हुआ जरा सोचिए। बिल आ रहा है और पैसे जा रहे हैं। उसके पास क्या हुआ? बिल आया और पैसे चले गए। ठीक है, तो जरा सोचिए, जो आ रहा है वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट कर दीजिए। तो यहां पे मैं क्या जन एंट्री पास करूं? बिल आ रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू कैश बैंक एंड अमाउंट विल बी फुल अमाउंट 30,000। डेट वट एवर यू हैव कैलकुलेटेड। क्या डेट हमने कैलकुलेट किया? 15/10/2019। अब नरेशन में क्या लिखने वाले हैं आप? बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ये हो गया नरेशन आपका। तो ये वाला पार्ट देख लिया, इसका नरेशन हमने नहीं देखा था। क्या यहां पे नरेशन आप क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक, जो पैसे हैं वो हमने चेक से दे दिए एंड एक्सेप्टेंस गिवेन, और साथ में एक्सेप्टेंस भी दे दिया फॉर द बैलेंस। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, डिसऑनर का केस देखिए। ये तो ऑनर हुआ था, बिल ऑनर हुआ है ना, नो एंट्री भी लिख दिया आपने यहां पे। सेकेंड वाला केस देखिए, डिसऑनर। जब बिल डिसऑनर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे आप जरा सोचे। स्टोरी में क्या ट्विस्ट है? स्टोरी कुछ ऐसी होगी, ये बंदा जाएगा, ये बैंक इसके पास जाएगा पैसे लेने के लिए, ये नहीं देगा, तो अब ये पैसे हमसे वसूले जाएंगे। क्लियर? तो ये जो है डेटर बन गया और यहां पे क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर क्यों? क्योंकि इसको पैसे लेने हैं, और डेटर इसलिए क्योंकि इसे पैसे देने हैं। तो आप जन एंट्री में क्या पास करने वाले हैं? डेटर विल वंस अगेन बिकम द डेटर एंड क्रेडिटर विल वंस अगेन बिकम द क्रेडिटर। तो डेटर, डेटर को डेबिट में लिखिए, क्रेडिटर को क्रेडिट में लिखिए। इसका हमने एंट्री सीखा था ड्रॉ टू बैंक। क्लियर? तो ड्रॉ कौन है? अजिंक्य। अजिंक से अकाउंट डेबिट टू, ये लॉजिक याद रखिए, डेटर डेबिट में लिखना है, क्रेडिटर क्रेडिट में। जो पैसे देने वाला है वो डेबिट, और जिसे पैसे चाहिए वो क्रेडिट। हमें तो पैसे मिल चुके हैं, पर चाहिए किसको? अब बैंक को, और देने वाला कौन है? अजिंक्य। डेट इज ड्यू डेट, अमाउंट 30,000। ये हो गया आपका एंट्री। नरेशन में आप क्या लिखने वाले हैं? बीइंग कैसा बिल है ये? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, इस तरीके से आप पास करेंगे, नरेशन लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसके बुक में क्या एंट्री होगा? इसके बुक में हमने सीखा था जो सेकेंड एंट्री होती है उसी को पलटी कर दीजिए, तो डिसऑनर का एंट्री पता चल जाए। सेकेंड वाली एंट्री यहां पे फर्स्ट वाली ही सेकेंड वाली एंट्री है, तो आप देखेंगे उसके पास क्या होने वाला है। बिल आ जाएगा और बदले में पैसे नहीं देगा। तो बिल आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बदले में पैसे नहीं दिए तो पार्टी का नाम टू अश्विन्स अकाउंट, डेट सेम, अमाउंट 30,
narration being billed is honored on due date. ये तो आपका narration भी हो गया, सब कुछ हो गया. Next part, question में आपको पूछा है कि जब bill noting charges के साथ dishonor होगी तो क्या entry होगा. हमने क्या सीखा है, ऐसे केस में क्या होता है, बैंक वाला नोटरी पब्लिक के पास जाता है, चार्जेस भरता है और नोटरी करवा के फिर उसके बाद हमसे वो पैसे लेने के लिए आ जाता है. तो ऐसे केस में क्या होगा, जर्नल एंट्री, सेम जर्नल एंट्री होती है, बस अमाउंट यहां पे नोटिंग चार्जेस प्लस कर दिया जाता है. क्लियर, तो लिख देते हैं. आपने देखा अजिंक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एज इट इज, मैंने लिखा है डिसऑनर की एंट्री जो थी वही लिख दिया है. बस इसके अंदर क्या करना है, नोटिंग चार्जेस आपको प्लस कर देने. ये कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने सीखा अच्छे से, ऐसा क्यों करते हैं. आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लीज. यहां पे इन्होंने दिया है 300 रुपीज बैंक चार्जेस है, तो इसमें इंक्लूड कर दीजिए. तो नरेशन क्या लिखेंगे आप, being discounted bill dishonored on due date and noting charges paid by bank. आते हैं इसकी बुक में एंट्री क्या करेंगे आप, डेट सेम लिखना है आपको, जर्नल एंट्री भी सेम होगी, बस नोटिंग चार्जेस इसमें सेपरेट लिखना होता है, अलग से लिखना होता है. और नोटिंग चार्जेस के लिए लॉस है इसलिए डेबिट में लिखेंगे. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू करके पार्टी का नाम. पार्टी कौन है यहां पे, अश्विन. अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट बिल्स पेबल में आएगा 30,000, नोटिंग चार्जेस में आप लिखने वाले हैं 300. दोनों को टोटल करके आप लिखेंगे अश्विन में 30,300. अब नरेशन में क्या लिखेंगे, Being bill dishonored on due date and noting charges incurred. यहां पे आपको incurred लिखना होता है. Clear है? Isn't this very simple? So let's move to next question. ये question clear हो गया ना आपको? देखिए क्या दिया हुआ है question number 3 में. Pallavi sold goods of ₹25,000 to Vandana. यहां पे दो पार्टीज है, एक पल्लवी है एक वंदना है. पल्लवी सेलर है और वंदना बायर है. तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है सेल का. सेकेंड क्या हुआ देखिए, ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड अ बिल. ठीक है, तो बिल का एंट्री होने वाला है. थर्ड क्या हुआ है, पल्लवी इंडोज्ड द बिल, इंडोज का एंट्री पास करना है आपको. उसके बाद क्या है, उसके बाद इन्होंने जर्नल एंट्री पास करने बोला है पल्लवी के बुक में, वंदना और पूर्वा के बुक में. तो यहां लिखेंगे आप इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, ये ड्रॉवर हो गया. जर्नल एंट्रीज क्या किया है, इंडोज किया है किसको, पूर्वा को. तो ये पेई है और ये नोटरी पब्लिक है नोटिंग चार्जेस के लिए. इन द बुक्स ऑफ वंदना जर्नल एंट्रीज ड्रॉई, ये कौन है, ड्रॉई है. नेक्स्ट पेई का लिख लेते हैं. इन द बुक्स ऑफ पूर्वा, ये कौन है, पेई है. जर्नल एंट्रीज, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. देखिए कैसे सॉल्व करना है, एक एक केस डिस्कस करते हैं. पहला केस, इन्होंने क्या किया, सेल किया, सेल किया, बदले में कुछ मिला नहीं. तो पार्टी टू सेल्स, पार्टी कौन, वंदना.
डेट लिख देते हैं और अमाउंट लिख देते हैं, डेट 16/2/2019। अमाउंट देखिए यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, क्या है 25,000 का अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है तो वो आपको माइनस करना होगा। 10% निकालने के लिए बोला, 10% कैसे सिखाया मैंने, बस एक जीरो आपको गैप कर देना है, तो 2500 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 22,500। तो सेल प्राइस में आपको कितना लिखना है, 22,500। यहां तो लिख दिया, नरेशन क्या लिखेंगे आप जरा सोचिए, आपने किया क्या है, सेल किया है और वो भी ट्रेड डिस्काउंट पे, क्रेडिट सेल बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 10% टीडी, टीडी मींस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हो गया आपका नरेशन। आते हैं वंदना के बुक में एंट्री पास करते हैं, वंदना के पास क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, सामान आ रहा है, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम पल्लवी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पल्लवीज अकाउंट। हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एट 10% टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। तो हो गया नरेशन भी। जरा सोचिए ये ट्रांजेक्शन इन्हीं दोनों के बीच में हुआ है तो इन्हीं दोनों के बुक में एंट्री आने वाली है, बाकी किसी भी पार्टीज के बुक में एंट्री नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टोरी है, ऑन द सेम डेट वंदना एक्सेप्टेड द बिल, बिल एक्सेप्ट हुआ, क्लियर है, बिल एक्सेप्ट किया गया है। तो इसकी एंट्री आप कैसे करने वाले हैं, बिल एक्सेप्ट करके इसे मिला होगा, हालांकि बिल इसी ने बना के इसको दिया, इसने एक्सेप्ट करके इसे दे दिया, ठीक है, बिल एक्सेप्ट करके मिल गया तो एंट्री क्या होगा, क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया, वंदना ने, पार्टी का नाम लिखेंगे क्योंकि बदले में हम कुछ दे नहीं रहे हैं। तो लिखते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगा और डेट भी सेम होगी क्योंकि सेम डे लिखा हुआ है, क्लियर है। और नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये हो गया आपका नरेशन। स्टार्ट करते हैं इसके बुक में, अभी वंदना के बुक में, जरा सोचिए वंदना के पास से बिल जा रहा है तो टू बिल्स पेबल आएगा और बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, पार्टी का नाम लिखेंगे पल्लवीज अकाउंट, पल्लवी टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो लिखते हैं हो गया, लिखे डेट लिखा, पल्लवी टू बिल्स पेबल आ गया 22,500, सेम अमाउंट सेम डेट, क्लियर है। और नरेशन आप क्या लिखेंगे यहां पे, आपने देखा कि बिल एक्सेप्ट किया तो बस सिंपल लिख देना बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट, आगे इन्होंने क्या किया, इंडोर्स किया है तो इंडोर्समेंट की एंट्री पास करनी है। इंडोर्स की एंट्री पास करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जरा सोचिए, केस देखिए यहां पे, ये जो बिल है, बिल इसके पास मिल चुका है, अब क्या करेगा ये बिल, बिल उठा के इसको देना है, पूर्वा को देना है, ठीक है। तो बिल जा रहा है, बदले में कुछ मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, तो पार्टी का नाम लिखेंगे पूर्वा टू बिल्स रिसीवेबल। डेट यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, 18 फेब को ये काम हुआ है, सो 18 फेब लिखने वाले हैं आप। चलिए ये तो हमने पल्लवी के बुक में एंट्री पास किया है, अब जन एंट्री देखना है पूर्वा के बुक में क्या होगा, ठीक है। क्या नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग बिल इंडोर्स्ड, है ना, आपने क्या किया है, बिल को इंडोर्स कर दिया है, तो बीइंग बिल इंडोर्स्ड। पूर्वा के बुक में क्या लिखना चाहेंगे, बिल आ रहा है, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्लियर है।
और बदले में कुछ दिया, बिल्कुल नहीं, तो पार्टी का नाम लिखेंगे पल्लवीज अकाउंट। डेट लिख दिया 18 फ़रवरी, जर्नल एंट्री पास कर लिया, अमाउंट लिख दिए, मेडिसिन लिख देते हैं, हुआ क्या है आपको बिल मिल गया है ना, तो इसे बस लिखना है बीइंग बिल रिसीव्ड, हो गया ये एंट्री पास। अब आगे की स्टोरी, आगे क्या हुआ, हमने सेल का एंट्री पास कर लिया, बिल का एंट्री पास कर लिया, इंडोज का पास कर लिया, इसके भी बुक में एंट्री होना था। अब आगे इन्होंने दिया है ऑनर डिसऑनर एंड डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस, जानते हैं ये मैच्योरिटी डेट का जर्नल एंट्री है, मैच्योरिटी डेट क्या करेंगे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था पहले जो डेट दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप, डेट डेट लिख दिया आपने बिल का, अभी क्या करना है उसमें 3 एक्स्ट्रा डेज ले लीजिए, और मंथ कितना बोला है 3 मंथ्स बोला है, एक ही बार में प्लस कर दीजिए, कोई यहाँ पे शो करने के लिए नहीं बोला गया, तो क्या करेंगे यहाँ आ जाएगा आपका 19 5 19, क्लियर है कैलकुलेशन 19 5 19, तो लिख देते हैं डेट तो हमने लिख लिया। अब जर्नल एंट्री पास करना सीखते हैं, एकदम ध्यान से सोचिएगा जर्नल एंट्री में क्या होने वाला है, कैसे कैसे पास करना है, एक्सप्लेन करता हूं। लास्ट डेट मैच्योरिटी डेट को क्या होगा, ये बंदा वंदना के पास जाके पैसे ले लेगा, क्लियर है, बिल देगा और बदले में इसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो पल्लवी के बुक में एंट्री होगा क्या, नहीं होगा, तो यहां पे मैं ए लिख देता हूं, केस ए है नो एंट्री, ठीक है, नो एंट्री है तो नरेशन तो कुछ लिखना नहीं है आपको। सेकेंड केस क्या होगा, जरा सोचिए, डिसऑनर हुआ होता तो क्या होता, ये बंदा जाता इसके पास बिल देता, बदले में पैसे नहीं मिलते तो हमारे पास आता पैसे लेने के लिए, तो डेटर विल वंस अगेन बिकम द डेटर एंड क्रेडिटर विल वंस अगेन बिकम द क्रेडिटर। डेटर कौन बन जाता, वंदना, और क्रेडिटर कौन, पूर्वा, डेटर को डेबिट में और क्रेडिटर को क्रेडिट में, तो वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्वाज अकाउंट, तीनों पास कर लेते हैं, डी वाला केस चल रहा है। लिख दिया यहां पे 22,500, क्लियर है, डेट जर्नल एंट्री एंड अमाउंट हो गया। अब थर्ड केस देखिए, नोटिंग चार्जेस रहा होता तो मैंने आपको क्या सिखाया, नोटिंग चार्जेस बस इसमें प्लस कर देना है, तो यहां पे 22,500 है और आपका नोटिंग चार्जेस है 175, जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा 22,675, ये अमाउंट लिखना है आपको, बाकी सब कुछ सेम। अब नरेशन की बात कर लेते हैं, यहां ये कौन सा बिल है, इंडोज्ड, तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग इंडोज्ड बिल डिसऑनर्ड, और यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग इंडोज्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, एंड सेम लिखना है, एंड करके नोटिंग चार्जेस पेड बाय किसने किया है, पे पूर्वा ने किया है, तो बी एंड नोटिंग चार्जेस पेड, बस इतना ही लिख देंगे, क्लियर है। ये सारी स्टोरी तो समझ में आ गई आपको, केस ए बी और सी तीनों केस आपने लिख दिया, तीनों केस में जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बुक में चलें, वंदना के बुक में चलते हैं, इसके बुक में तो हर एक केस में एंट्री होने वाली है। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, ठीक है, पास करता हूं, आपने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है,
इनको बिल मिल गया और पैसे चले गए, और नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल ऑनर हो गया। सेकेंड वाले केस में हमने किसके बारे में बात कर लिया था, डिसऑनर के बारे में। डिसऑनर में क्या होता है, बिल तो मिलता है पर बदले में पैसे नहीं जाते, तो पार्टी का नाम लिख देते हैं। पार्टी कौन है, यहाँ पे पल्लवी है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवीज अकाउंट लिखेंगे आप। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। नेक्स्ट केस डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस वाला लिखते हैं। नोटिंग चार्जेस वाले में इसे नोटिंग चार्जेस मेंशन करना पड़ता है, एंट्री सेम होगी, बस यहां पे आपको नोटिंग चार्जेस भी डाल देना है। तो लिख देता हूं, तो हमने देखा क्या लिखा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवीज अकाउंट, में क्या क्या लिखना था आपको, 22,500, 175 और टोटल मार्के 22,675। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर नरेशन आपको लिखना होगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, क्लियर है। तो ये भी केस हो गया। अब देखते हैं पेई क्या एंट्री पास करेगा। पहले केस में तो इसके पास क्या होगा, बिल जाएगा और पैसे आएंगे, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नरेशन क्या होगा, बीइंग रिसीव्ड बिल ऑनर्ड, है ना। इन केस ऑफ डिसऑनर ये एंट्री क्या पास करेगा, जरा सोचिए, बिल तो जाना है, बिल चला जाएगा इसके पास से, तो टू बी आर अकाउंट लिखेगा। डेबिट में क्या लिखा लिखेगा, ये डेबिट में पार्टी का नाम लिखेगा जिससे पैसे वसूलने हैं। वो कौन सा बंदा है जिससे पैसे वसूलने हैं, वो है देखिए ये पल्लवी, पल्लवी से इसको लेना जाना है, वंदना से नहीं, तो पल्लवीज अकाउंट आएगा। नरेशन क्या लिखेंगे आप, नरेशन वही लिखना है, बीइंग रिसीव बिल डिसऑनर्ड, क्लियर है। अब लास्ट वाला केस देखते हैं, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस का केस, इसमें क्या एंट्री पास करेंगे आप। एंट्री सेम होगा, बस यहां पे अलग से आपको टू कैश करके लिखना है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये जो बंदा है वो पैसे देने वाला है, नोटिंग चार्जेस खुद भरेगा, तो क्या होगा, अमाउंट लिख देते हैं, बिल रिसीवेबल के सामने आपको लिखना है 22,500, कैश के सामने आप लिखेंगे 175, ठीक है, और पल्लवी इसके सामने क्या लिखेंगे, 22,675। अब एक बात देखें कि यहां नरेशन में आप क्या लिखेंगे, नरेशन में वही लिखना है कि बीइंग रिसीव बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस इन्होंने क्या किया है, पे किया है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, एस सी व्हाट हैज बीन गिवेन, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता, यानी अनीता कौन है, सेलर, एंड नीता है बायर। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां पे देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले हो रहा है सेल, तो पहला एंट्री आप सेल के लिए पास करेंगे, सेकेंड बिल के लिए एंट्री दिया हुआ है, एंड थर्ड वन इज बिल सेंड टू बैंक बीएफसी के लिए दिया है, और फोर्थ क्या हो रहा है, फोर्थ जो है उन्होंने ऑनर या फिर डिसऑनर या फिर डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस के लिए केसेस की एंट्री पास करने बोला है, तो ऑनर का आएगा, डिसऑनर का आएगा और डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस का आएगा, क्लियर।
तो ये एंट्रीज आपको पास करनी है। लिख लेते हैं सबसे पहले किसके किसके बुक में करना है वो भी देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ अनीता एंड नीता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ अनीता और उसके बाद इन द बुक्स ऑफ नीता, दो फॉर्मेट बनाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। इन द बुक्स ऑफ नीता जर्नल एंट्रीज, लेट्स स्टार्ट नाउ। वन बाय वन एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने गुड्स को सेल कर दिया, तो एंट्री क्या होने वाली है, टू सेल्स, और किसको सेल किया है, नीता, नीता टू सेल्स, क्योंकि बदले में कुछ नहीं मिला तो पार्टी का नाम लिखेंगे, नीता टू सेल्स। यहाँ पे डेट लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे, डेट दे रखा है 8 मार्च 2019 एंड अमाउंट इज 22,500। फेसबुक में इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब चलते हैं नीता के बुक में, यहां पे क्या होगा, जब सोचिए परचेज होगा और पार्टी का नाम लिखेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट और पार्टी कौन है, अनीता। तो ये हो गया जर्नल एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो ये भी हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपको बिल की एंट्री पास करनी है। तो बिल, बिल का क्या होने वाला है, जरा सोचिए आप, यहां पे बिल इसके पास आने वाला है, ठीक है, बिल आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया, नीता, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीताज अकाउंट। अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखते, सामने वाले पार्टी का नाम लिखना है। अमाउंट सेम, डेट सेम, नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक है। ट्रॉय के बुक में क्या होने वाला है, जरा सोचिए, इसके पास से बिल जा रहा है, टू बिल्स पेबल, किसके पास, नीता, तो आप क्या लिखेंगे, नीता टू बिल्स पेबल। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, बस इतना ही लिखना है नरेशन में, तो क्लियर है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट, अब सेल का हो गया एंट्री, बिल का एंट्री हो गया, अब बीएफसी के लिए एंट्री पास करना है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस केस में होता क्या है, जब ये बिल कलेक्शन के लिए भेजेगा तो बैंक को बिल मिलेगा, बदले में इसे कुछ देना नहीं, इसलिए बैंक का नाम बीएफसी लिखेंगे, ठीक है। तो बिल जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा, यहां पे डेट इन्होंने दे रखा है 4th अप्रैल 2019, तो 4th अप्रैल लिख देंगे, और अमाउंट तो भाई सेम होगा, एंट्री बनने वाली बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट यार अकाउंट, क्लियर है। और नरेशन क्या लिखेंगे आप, जरा सोचिए, नरेशन यहां पे होगा, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो हो गया ये। अब क्या नीता इसका एंट्री पास करेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं होगा कि बिल का क्या हुआ, ठीक है। अब आते हैं लास्ट लास्ट केस, अब ऑनर डिसऑनर और डिसऑनर विथ नोडिंग चार्जेस का केस देखना है। ऐसे केस में क्या होगा, बैंक जाएगा नीता के पास, ठीक, तो बिल दे देगा और पैसे ले लेगा, और जानते हैं
वो पैसे लाके वो हमारे अकाउंट में जमा करेगा, और जब अकाउंट में पैसे जमा करेगा बैंक चार्जेस यानी सर्विस चार्जेस भी ले लेगा। यहाँ पे लिख के दिया क्वेश्चन में कि उसने 100 रुपीज सर्विस चार्जेस के रूप में काट लिए, ठीक है ना। तो जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें से 200 रुपीज गायब हो जाएंगे, वो कट कर लेगा। और जानते ही हैं बैंक चार्जेस डेबिट में लिखते हैं, क्यों चार्जेस डेबिट में लिखे जाते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ड्यू डेट। यहाँ पे हमारा जो बिल है 8319 का है, 8319 और 3 डेज ग्रेस डेज है, 4 मंथ की बिल है कि नहीं। तो 4 मंथ की बिल आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11719। तो हर एक प्लेस पे एक ही बार में लिख देता हूं मैं, 11719। जनरेटर क्या पास करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और अमाउंट तो भाई सेम आने वाला है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के सामने बैंक चार्जेस यहाँ पे इन्होंने 200 दे रखा है, यानी 200 इसमें से कट जाएगा, बैंक इस चार्ज काट लेगा, हो जाएगा 20,300 बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। इस तरीके से आप लिखेंगे, ओके ये हो गया। अब देखते हैं ये बंदा क्या एंट्री पास करेगा, भाई इसके पास क्या होने वाला है, इसके पास से तो बिल जाने वाला है, नहीं इसके पास बिल आएगा पैसे जाएंगे। ये पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट सेम और डेट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वही डेट आने वाला हर एक जगह। अब डिसऑनर की बात करते हैं, हाँ इसका नरेशन, नरेशन में आप क्या लिखेंगे, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो डिसऑनर के लिए एंट्री क्या पास करेंगे, जब बंदा पैसे नहीं देगा, ठीक है समझ लीजिए बैंक इसके पास गया इसको पैसे नहीं मिले, नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा, ऐसे केस में क्या हमसे बताया मैंने, डेटर विल वंस अगेन बिकम द डेटर एंड क्रेडिटर विल वंस अगेन बिकम द क्रेडिटर, डेटर देने वाला क्रेडिटर लेने वाला, तो देने वाले का नाम, देने वाले का नाम क्रेडिट में लिख दिया। तो डेटर यहाँ पे देने वाला कौन है, नीता, तो नीता आएगा। ऐसे लेने वाला कौन है, बैंक, बिल सेंड टू बैंक, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट तो भाई 22,500 और डेट तो सेम ही रहने वाली। अब नरेशन क्या लिखेंगे आप, कैसा बिल है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ये तो जनरल एंट्री पास हो गई, इसके बुक में क्या होगा जरा सोचिए, इसके पास से सेम ही एंट्री पास करना है, इसको बिल लेना है बस, यहाँ पे पैसे नहीं दे पाएगा तो पार्टी का नाम आ जाएगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। एक बात याद रखिए, पार्टी इसके लिए हमेशा कौन होगा, ड्रॉवर, ये हमेशा ड्रॉवर को ही पहचानेगा, ड्रॉवर का ही नाम लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी लास्ट एंट्री, आपने देखा यहां पे हमने क्या लिखा, बैंक लिखा, पेमेंट नोटिंग चार्जेस की पेमेंट कौन बेयर कौन पे करने वाला है, 150 रुपीज बैंक पे करके आएगा, तो यहाँ 150 लिखेंगे और दोनों का भी टोटल करके यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी 22,650
ये तो हो गए भाई, इसका रिलेशन क्या होगा, बीइंग सभी लगे बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, किसने पे किया है, बैंक ने पे किया। अब यहां पे क्या बात करेंगे आप, एंट्री इसके पास क्या होने वाला है, एंट्री तो सेम रहेगी, बस यहां पे नोटिंग चार्जेस डाल देना है। रीजन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी व्हाट हैज बीन गिवन। प्रेमलाल सोल्ड गुड्स टू सुंदरलाल, यहां पे प्रेमलाल कौन है, सेलर, और दूसरा है सुंदरलाल बायर। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, प्रेमलाल सोल्ड गुड्स टू सुंदरलाल वर्थ ₹10,000। तो सबसे पहले आप सेल की एंट्री पास करेंगे एंड सुंदरलाल एक्सेप्टेड द बिल, उसके बाद बिल का एंट्री पास करने वाले हैं भैया। एंड आफ्टर दिस प्रेमलाल डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, तो डिस्काउंटेड डिस्काउंट का केस है, तो डिस्काउंट के लिए एंट्री पास करेंगे आप। उसके बाद क्या हो रहा है, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर, बिल कैंसिल हो गया, तो कैंसिलेशन का एंट्री पास करेंगे, डिसऑनर का एंट्री, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट क्या दिया है, सुंदरलाल रिक्वेस्टेड प्रेमलाल टू एक्सेप्ट 4,000, ये हो गया आपका पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट का एंट्री पास करेंगे यहां पर आप, क्लियर है, पार्ट पेमेंट के एंट्री पास करना है। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड ड्रॉ अपॉन हिम द न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एंट्री पास करना है, और इंटरेस्ट के बाद क्या करना है आपको, न्यू बिल, न्यू बिल बनाना है, एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एट 3 months टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। उसके बाद क्या है, प्रेमलाल एग्रीड एंड द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, और उसके बाद लास्ट में ऑनर की एंट्री पास करनी है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, यहां पर देखिए एक एक करके एक एक स्टेप देखते हैं और जनरेटर एंट्री पास करते जाते हैं। पहला स्टेप सेल किया तो सेल का एंट्री पास कर देते हैं। सेल में क्या होता है, टू सेल्स है ना, सेल्स क्रेडिट में लिखा जाता है टू सेल्स, तो पार्टी का नाम सुंदरलाल टू सेल्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है, तो डेट दिया नहीं है तो आपको क्या करना है, तब डेट की जगह पे एसआर नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर, क्लियर। डेट नहीं दिया होता तो सीरियल नंबर लिखना होता है। स्टार्ट करते हैं, अमाउंट इज 10,000, तो नरेशन क्या लिखेंगे आप, यहां पे आप लिखने वाले हैं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी बुक में, दूसरी पार्टी की बुक में, हाँ यहां पे आपको टॉप पे लिखना था इन द बुक्स ऑफ प्रेमलाल, जर्नल एंट्रीज, प्रेमलाल कौन है, ड्रॉवर, और यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, दूसरा कौन है, सुंदरलाल, जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं, सुंदरलाल के बुक में क्या होने वाला है, अब ये तो परचेज कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसने इसको सेल किया है, प्रेमलाल ने, यहां पे भी आप लिखेंगे सीरियल नंबर 1
और परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रेमलाल से अकाउंट 10,000 rupees. नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. ठीक है, तो ये तो हो गया. अब आगे सेकेंड जो है वो क्या हुआ है, सेकेंड में इन्होंने बिल का एंट्री पास करने कहा है आपको. तो सेकेंड बिल का एंट्री पास करेंगे, बिल के एंट्री के लिए क्या होगा, बिल आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुंदरलाल से अकाउंट. अमाउंट क्या लिखेंगे आप? 10,000. नरेशन क्या होगा? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. इसके बुक में क्या करना है जरा सोचिए, क्या होने वाला है? बिल इसके पास से जाएगा, पार्टी का नाम टू बिल पेएबल अकाउंट. तो पार्टी कौन है? प्रेमलाल. प्रेमलाल टू बिल्स पेएबल. नरेशन क्या लिखेगा? ये बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? बिल को डिस्काउंट कराना है. ठीक है, डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या बताया था मैंने? बिल हम क्या करते हैं, बैंक को दे देते हैं, बैंक बदले में हमको पैसे देता है. तो पैसे वो भी हमारे अकाउंट में जमा कर देता है. तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, बिल हमारे पास से जा रहा है. डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए देखिए क्या दिया है, कितना है? 6% और 3 months. तो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 6/100, परसेंट मीन्स अपॉन 100, एंड मंथ ले लीजिए 3 months, 6×2=12. अब क्या करेंगे, 0,0 कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 हो गया, 300 डिवाइड बाय 2 150, तो 150 रुपीस कट जाएगा. आपको कितना मिलेगा? 9,850. क्लियर? और नरेशन क्या लिखेंगे आप? बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक. ठीक है, जब बिल बैंक से आप डिस्काउंट कराएंगे तो बिल किसको मिल रहा है? बैंक को मिल रहा है. ठीक है ना, तो ये एंट्री प्रेमलाल और बैंक के बुक में होगी. तो प्रेमलाल में तो लिख दिया मैंने, बैंक में लिखना नहीं है. ठीक है ना, सुंदरलाल में इसकी एंट्री नहीं पास करना है, क्योंकि वो बेचारे को तो पता भी नहीं होगा, वो तो अपने घर होगा. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन. अब जरा सोचिए क्या होगा. अब तो भाई लास्ट डेट आ गई, अब डिसऑनर करने की बात आ गई. वो सामने से आता है बंदा, रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप बिल को रिन्यू कर दीजिए. बराबर, तो पहले तो डिसऑनर करना पड़ेगा, डिसऑनर का एंट्री पास करना है आपको. मैंने बताया था डिसऑनर करते टाइम पे कैसे एंट्री पास करना होता है, डेटर विल वंस अगेन बिकम द डेटर एंड द क्रेडिटर विल वंस अगेन बिकम द क्रेडिटर. यहां पे डेटर कौन है? डेटर पैसे देने वाला कौन है? सुंदरलाल. और पैसे लेने वाला कौन है? हमको तो पैसे मिल चुके हैं भाई, पहले ही जब डिस्काउंट कराया तभी मिल गया. तो लेने वाला बंदा कौन है? बैंक है. ठीक है, तो डेटर को डेबिट कीजिए. एंट्री नंबर 4 है, आपने लिख दिया यहां पे 10,000 rupees का अमाउंट है, और ये करंट एंट्री है. नरेशन क्या लिखेंगे वो जरा सोचिए. नरेशन में होगा बीइंग बिल ऑनर्ड कि डिसऑनर. अरे कैंसल हो गया है भाई, बिल कैंसल हुआ किस लिए? रिन्यूअल के लिए. तो लिखेंगे बीइंग ओल्ड बिल कैंसल फॉर रिन्यूअल, पुराने बिल को हमने कैंसल कर दिया रिन्यू करने के लिए, नया बिल बनाने के लिए. ठीक है ना, ये तो हो गया. अब क्या करेंगे आप? इसके बुक में हमने लिख दिया, आते इसके बुक में लिखते हैं. अब ये डिसऑनर करता है तो क्या होता है, बिल इसके पास आता है और पार्टी का नाम लिख देता है, यानी ये सेकेंड एंट्री को ही पलटी कर देगा.
है, नरेशन क्या होगा यहाँ पे, बीइंग बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, ऐसा आप लिखेंगे यहां पर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्या लिखना है, पार्ट पेमेंट के लिए एंट्री पास करनी है। तो पार्ट पेमेंट के लिए एंट्री क्या पास करते हैं, क्या होगा जरा सोचिए, आपके पास पैसे आ रहे हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है, सामने वाली पार्टी दे रही है, तो सामने वाली पार्टी कौन है, सुंदरलाल। तो हम लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदरलाल अकाउंट। फोर थाउजेंड, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट पेमेंट का एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट हमको मिल गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट, जब पार्ट पेमेंट यहां पे मिल रहा है तो ऐसा एंट्री पास किया। अब ये वाला, ये जो बंदा है वो पार्ट पेमेंट दे रहा है, तो इसके पास से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पार्ट पेमेंट, पैसे जा रहे हैं, इसको जा रहे हैं, कौन ले रहा है, प्रेमलाल। ठीक है, अमाउंट इज 4000 एंड नरेशन विल बी बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। अब आगे का पार्ट, इसके बाद देखिए, पार्ट पेमेंट के बाद हमको जो एंट्री पास करनी है वो इंटरेस्ट की है। तो इंटरेस्ट के बारे में मैं बता दूं, ये बंदे को इंटरेस्ट मिलेगा तो इसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। प्रॉफिट कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में। तो ये लिखेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे, सामने वाली पार्टी का नाम, सुंदरलाल से अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, यहां पे आपको ये पता लगा रहे हैं कि भाई अमाउंट कितना बचा है पे करना। 10,000 आपका बिल का अमाउंट है, 4,000 आपकी पार्ट पेमेंट, आपको इतना पैसा मिल गया। जब 4,000 रुपीज मिल गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। 6,000 रुपीज आपका बैलेंस ड्यू है। मैंने आपको सिखाया था कि जो बैलेंस ड्यू होता है उसके ऊपर रेट यूज करते हैं, 10% का रेट है यहाँ पे, ठीक है। और पीरियड देखा जाता है, 3 मंथ के लिए नेक्स्ट बिल बन रही है, तो 3 मंथ ले लेंगे आप यहाँ पे एंड कैलकुलेट करेंगे। दिस 00 गॉट कैंसल्ड, ठीक है। अब 6 से आप 12 को काट सकते हैं, वन जा एंड टू जा, ठीक है ना। टू से काट दीजिए, 50 आ जाएगा। एक काम कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 150 आंसर आएगा। कैसे, 300 डिवाइड बाय 2, 150। तो 150 इंटरेस्ट में लिखना है आपको, क्लियर है। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इसका नरेशन बहुत सिंपल है, दोनों में आपको बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ही लिखना है। यहां पे भी 150 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट इसके लिए लॉस है और ये लॉस को डेबिट करेगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इसको देना है प्रेमलाल। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, तो ये भी हो गया, ये है एंट्री नंबर 5। अब आगे हमने सीखा कि भाई पार्ट पेमेंट कैसे करना है, कैंसलेशन कैसे करना है, और इंटरेस्ट का भी देख लिया। न्यू बिल बना लेते हैं, नए बिल के लिए एंट्री तो सेम ही होने वाली है, जो बिल की एंट्री है BR2 सुंदरलाल। अमाउंट कैसे लिखेंगे आप, दोनों को प्लस करके लिखने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए ना, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट टुगेदर विद द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को प्लस कर लीजिए। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, 6,000, और इंटरेस्ट कितना आपका, 150, तो 6,150 आएगा, ठीक है। अब आती है नरेशन की बात, तो यहां पे नरेशन आपको क्या लिखना है, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन है कि रिसीव्ड है, विल ड्रॉ किया, एक्सेप्टेंस रिसीव किया,
है ना, और इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किया टुगेदर अलोंग विद द इंटरेस्ट, तो लिखेंगे बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, ठीक है, फॉर बैलेंस के लिए, और किसके लिए, बैलेंस ड्यू अलोंग विद द इंटरेस्ट, आपको ऐसे लिखने के लिए मैंने बताया था, ठीक है, एन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये आपको पार्ट याद कर रखना है। आते हैं नेक्स्ट, ये बुक में क्या एंट्री होने वाला है। अब ये बंदा ये भी सेकेंड एंट्री लिखेगा, सेकेंड एंट्री इसका क्या था, देखिए प्रेमलाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, खाली अमाउंट चेंज है, प्रेमलाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट टोटल मार के लिख दीजिए 6,150। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब तो बैलेंस भी हमने बिल भी दे दिया, अब क्या बोलता है, ड्यूली ऑनर्ड, ये बिल 3 मंथ बाद ऑनर भी हो गई, तो इसको आप ऑनर करना है आपको, तो ऑनर करने का एंट्री आपको पास करना है, तो ऑनर करेंगे एंट्री, ऑनर करने के लिए ये वाली जो बिल है आप देख रहे हैं हमने किसी को दिया नहीं, अपने पास ही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको बिल दे देंगे और पैसे ले लेंगे, तो वी विल हैव कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि हम बिल दे रहे हैं, ठीक है, बिल दे दिया आपने और पैसे ले लिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, अमाउंट कितना होने वाला है, सेम अमाउंट 8, और नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल, कौन सा बिल था, रिटेन्ड वाला, बीइंग रिटेन्ड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। नेक्स्ट यहां पे क्या पास करेंगे आप, ये तो बिल ले लेगा और पैसे दे देगा, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल को ऑनर कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, और जो मेथड यहां पे हमने सीखा इस मेथड्स का यूज करके उसको सॉल्व किया जाता है। ये चैप्टर कंप्लीटली जनरल एंट्री पे बेस्ड है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको कॉन्सेप्ट वीडियो बार बार देखना है, जितना कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे क्वेश्चंस आपको उतने ही इजी लगते जाएंगे, तो प्लीज कॉन्सेप्ट वीडियो बार बार देखिए, और सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं सबके सब प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।